आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना भाजी, हेल्थ मिनिस्टर खुद आया, इसके मम्मी डैडी कहता है इधर हाथ से लिख के दो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। पाजी जब ये पैदा हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल वालों ने सारे डॉक्टर छिपा दिए, कहते इसकी नजर पड़ गई ना तो इसने साड़ियां बना के सबको नर्स बना देना। ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो डॉक्टर पुरुषोत्तम दास पे तुम्हारी नजर पड़ी थी, जो आज तक विग पहन के सामने बैठ के हंस रहा, उसका क्या? जज के ऊपर पंच मारता है, फालतू इंप्रोवाइज करता है। ये पैदा हुआ ना तो लोगों ने इसके डैडी को नहीं कुछ कहा, इसके दादा को पीटा, कहते जब तेरा ही रिजल्ट खराब आया था तो तू अपने बेटे को नहीं रोक सकता था। एक बंदा आ गया बैकस्टेज भाजी इसको मिलने, वो कहता आप मेरी यहाँ पे बर्गर शॉप है, आप बर्गर बनाएंगे? कहता सॉरी मुझे ये काम आता नहीं। तो कहता भाई साहब ये जो आप स्टेज पे कर रहे थे ये आपको आता है? पाजी जहाँ पे फैंस होते हैं कुछ एक क्रिटिक्स भी आते ही हैं, और इसके तो फैन भी जब आते हैं वो सारे क्रिटिक्स हो जाते बाद में। देखो अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो दोबारा जो टूर लेके जा रहे हो उसमें मुझे क्यों रखा फिर? मैं तेरे को किसने कहा है? किसने कहा है? यार तूने पिछली बार बड़ी बेइज्जती करवाई, एम्बेसी में गया ना तो इसका पासपोर्ट देखा गोरे ने, कहता ये आप है? कहता हाँ। कहता कमाल है आपका पासपोर्ट आज तक किसी ने फाड़ा क्यों नहीं? उसने पूछा आपका कभी आज तक वीजा रिजेक्ट हुआ है? ये कहता नहीं। कहता ये लो फिर हो गया। कहता इसकी इतनी बेइज्जती करवाता है हमारी। अच्छा और जो आप एम्बेसी में गया इसको बोलते हैं, कहते डू यू हैव परफॉर्मेंस इन न्यू जर्सी? कहता नो ओल्ड जर्सी, न्यू जर्सी बैग में। ये गया फ्लाइट में एयर होस्टेस आई, कहती मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कहता इधर तो फिर सारे देख रहे। फालतू यार इंप्रोवाइज करवाता है। नहीं नहीं बैठो आप पाजी, फिर हमारा ऊपर पंखा सीधे सर पे चल रहा, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। कपिल कपिल एक मिनट, पता है पाजी उठ के गए, तेरा मुंह बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, मेरा देखना चाहते हैं। ये रणबीर कपूर देख लो अब सामने से। एयर होस्टेस आई पाजी, ऐसे नहीं आके बोलती इस जहाज में आठ द्वार है, दो इधर है दो इधर है, इसको देख के कहती तुम चलो बाहर। पहली बार जब जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने बोला कि आप ये बटन दबाएंगे मैं आ जाऊंगी, ये बटन उखाड़ के घर में ले गया, वहां जाके दबा रहा है, आ नहीं रही। दोनों में इस बात को समझेगी, एयरलाइंस में काम भी किया ये है। वो कहती क्या लेंगे आप? कहता एलमंड मिल्क। वो शीशा ले आई, कहती देखो जरा अपना मुंह, तुम्हारा एलमंड मिल्क बनता है? कहती खुद का मुंह ऐसा है, लस्सी पी के उसका पटाखा मार देते। पाजी वो स्कैनिंग मशीन नहीं होती जहाँ से बैग निकलते स्कैन करने के लिए, उसमें खुद लेट गया जाके। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है? कहता इधर मेरे दर्द हो रहा है, इनको बोलो स्कैन कर दो, पथरी तो नहीं है यहाँ पे। पाजी आप बिलीव नहीं करोगे, ये फ्लाइट में बैठा ना पायलट ने देख लिया इसको मिरर में, उसने हवा में स्लिप मारे जहाज के। कहता ये बंदा सुबह मुझे ऑटो में एयरपोर्ट छोड़ के गया, इसको मैं न्यूयॉर्क लेके जाऊं? पाजी इसको गाने का कितना शौक है, ये गया कॉकपिट में, पायलट ने बोले लगाए थे कानों में, हाँ। उसके निकाल के ना अपने कानों में लगा लिए। कहता पाजी नुसरत साहब लगा दो, मेरा कवाली का टाइम हो गया। ये देखो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई ऐसी। ये बंद करते रहो ना, गंदा सा क्लीवेज ना दिखा मैं, बंद कर इसको भाई। ये भी वो खुला रख सकता है जो फिट है, तुम्हारी तरह टी शर्ट नहीं पहन के आते अंदर से। वाह शाबाश, आज तुझे कितना बोलना बोल ले। पाजी ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये धमकी बहुत देता है, बहुत धमकी देता है। हाँ। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तू पाजी, थैंक यू। अब सुन ले पाजी, मैं उनकी आदत है वो ऐसे ही बोलते हैं, जाते हुए बोल के गए थे इनू बाहर कट, पिछली बार भी बोला था उन्होंने। पाजी जिनके लिए बोला था उसको तुम निकाल चुके हो। है इसकी हरकतें हैं कि नहीं? आ गया